का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मुखालिफत एक रोटी है शख्सियत मेरी, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले मैं सलाम करता हूँ। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पर अतिम आदमी साहब और हमारे भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के हार्दिक अजीत विधायक रईस भाई, आज इन्होंने जो जिम्मेदारी रियाज भाई को दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से बिना किसी के दबाव बिना किसी से डरे पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत और पूरी कोशिश करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रियाज भाई एक ऐसी शख्सियत है जो सबको साथ लेकर चलने वाली है, मुझे पूरा भरोसा है कि एक टिकेगा नहीं एक टिकेगा, और जब एक टिकेगा हम फिर पूरे शहर में जो शोरूम की खिड़कियाँ उड़ाने की काम करेंगे, जिन्होंने शहर के साथ में इंसाफी की, जिन्होंने शहर पे जुल्म किया है, रोहिणी की इज्जत के लिए रोहिणी की इज्जत के लिए हम जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और किसी मांगे जाने में इतनी हिम्मत नहीं कि इस आवाज को दबाए और इस आवाज को रोक सके, सिवाय अल्लाह के। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज समाजवादी पार्टी इनसे सवाल करती है तो इनको बुरी दिखाई देती है, ठीक है हम तो बुरे ही सही, तुम तो अच्छे हो ना, बताओ तुमने आज तक भिवंडी शहर के लिए क्या किया है, तुमने अच्छा स्कूल दिया नहीं दिया, तुमने अच्छा कॉलेज दिया नहीं दिया, तुमने अच्छा हॉस्पिटल दिया नहीं दिया, तुमने भिवंडी शहर के लोगों को पीने का साफ पानी दिया नहीं दिया, तुमने लोगों के घर तक पानी पहुँचा कर दिया नहीं दिया, तुमने क्या किया, तुमने पूरे शहर को खंडर बनाकर रख दिया। जब से हमने एक ऐसा एमएलए चुना है जो भिवंडी शहर के लिए काम करना चाहता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये भिवंडी की आवाम है, 10 दिन में भाजपा वाले को उनके घर छोड़कर आई, अब ये 10 साल से इनकी नौटंकी देख रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो भिवंडी शहर में ये जो कांग्रेस और एनसीपी ड्रामा कर रही है ये एक ही सिक्के का दो पहलू है, ये चाहे आरएसएस भाजपा से लेकर आ जाए या कांग्रेस से एनसीपी में आ जाए या एनसीपी से कांग्रेस में चले जाए, ये सब सरकार के जोकर है, इनकी पार्टी बदलने से इनकी नीयत नहीं बदलने वाली है, ये बात भिवंडी समझने को तैयार है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, कॉरपोरेशन में अगर वापस से चुनकर आते हैं तो फिर शहर की हालात वैसे ही रहने वाले हैं जैसे पिछले 10 साल से थे।